हरे कृष्णा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम् मूढ़ोयां नाभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, क्या मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। प्रकट मतलब समझ नहीं सकता, मतलब कभी भी कोई मूर्ख व्यक्ति मुझे समझ भी नहीं सकता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, अंतरंगा मतलब इंटरनल पावर, ठीक है, इंटरनल इल्यूशन के द्वारा आच्छादित, आच्छादित बोले तो, आच्छादित मतलब क्या होता है, आच्छादित मतलब क्या होता है, ढका रहना, कवर किया हुआ रहना। क्या कह रहे हैं, मैं उनके द्वारा आच्छादित हूं। आच्छादित बोले तो मतलब मैं उनके माया के द्वारा उनके सामने क्या हूं, आच्छादित हूं। देखिए बहुत ही मतलब अंतरंगा शक्ति के द्वारा मैं उनके लिए ढका हुआ हूं, अतः वे कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोकों में कि मैं मूर्खों द्वारा तथा अल्पज्ञों के द्वारा, मतलब नॉनसेंस फेलो, जो नॉनसेंस है, जो सिल्ली है, तथा अल्पज्ञ मतलब जिनको ज्ञान की कमी है, जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, उनके द्वारा मैं कभी भी जाना नहीं जा सकता, वो मुझे कभी भी जान नहीं सकते, कभी भी समझ नहीं सकते। तो आज ऐसी ही कुछ घटना सामने आ रही है कि कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भगवान के विषय में कुछ बोल दे रहा है, तो कभी कोई अभिनेत्री कोई गलत गलत फिल्म बना रहे हैं, कोई वेब सीरीज बना रहे हैं, पताल लोक, तो कभी बुलबुल, या फिर और भी बहुत गलत गलत चीजें बना रहे हैं और उसको मतलब धड़ल्ले से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लोग भगवान को गाली दे रहे हैं। ये बड़ा ही दुख का विषय है। लेकिन अब ध्यान रखिए कि ये लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयां नाभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम्। मूर्खों द्वारा कभी भी जाना नहीं जा सकता, मूर्ख लोग मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। तो हमें फिक्र करने की बात नहीं है, ये लोग कभी भी भगवान की महिमा को, ये आप ऐसी बात नहीं है कि भगवान के विषय में कुछ बोल देंगे तो भगवान की वैल्यू घट जाएंगे। इनको कलर विजन नाम की बीमारी है, ध्यान रखिए, इन्हें भगवान नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान नहीं है, या भगवान को ये कुछ भी बोलेंगे, ये भगवान को कुछ भी बोलेंगे तो इससे भगवान की वैल्यू घट जाएगी। नहीं, जैसे सागर होता है ना, सागर में सब नदियां कितनों भी जल ला के डाले, लेकिन सागर की जो क्या बोलते हैं उसको, स्थिति जो होती है, जो मर्यादा होती है, वो कभी भंग नहीं होती। वैसे ही भगवान को ये लोग कितनों भी कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की जो स्थिति है, जो वैल्यू है, वो बनी हुई रहेगी। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन लोगों को बॉयकॉट करें, बायकॉट करें, हम इनकी मूवीज को ना देखें, ऐसे गंदे गंदे फिल्म ना देखें। यदि हम देखेंगे नहीं तो ये बनाएंगे नहीं। हरे कृष्णा। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे मूवीज को देखें ही नहीं, यदि नहीं देखेंगे तो ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमने गलती किया है। इसलिए मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों का बायकॉट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बहिष्कार कीजिए, विरोध कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।